अब हम आते हैं सैयदिना सालेह अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। दिन गुजरते गए और लोग एक बार फिर इबलीस लईन के वसवसे में आकर कुफ्र की तरफ पलट आए, क्योंकि इबलीस किसी भी शख्स को वसवसे में डाले बगैर नहीं छोड़ता। इस तरह एक बार फिर कुफ्र फैल गया। चुनाचे अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। ये समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे। इनका नसब नामा इस तरह है: सालेह बिन उबैद बिन सयाफ बिन माशिह बिन उबैद बिन हाजिर बिन समूद बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। गोया सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था और ये कौम कौम आद की नस्ल से थी। समूद की कौम ने यमन को खैरबाद कहा और जजीरे से शिमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। फिर वहां हिजर नामी एक बस्ती में जा ठहरे। कुरान करीम की सूरतुल हिजर इसी बस्ती के नाम से मौसूम है। कौम आद का तस्किरा सूरतुल हिजर के अलावा सूरतुल आहकाफ और सूरह हूद में भी है। अल्लाह ताला सूरतुल हिजर आयत 80 में फरमाते हैं: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ। اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اب وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 9 में फरमाते हैं: और कौम समूद के साथ क्या किया जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक मकाम पर फरमाते हैं: और हमने कौम आद और समूद को गारत किया जिनके बाज मकानात आपके सामने जाहिर हैं। उनके मकानात उनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद हैं। शाम के रास्ते में खैबर तैमा से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग किस तरह पत्थर तराश तराश कर घर बनाते थे, अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत 74 में इसका जिक्र किया है: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उनकी ताकत जिस्म की सलाहियत और माहिर फन होने पर दलील है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि उन्हीं से थे इसलिए विरासत में ये काम इन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ने आद को अपनी नेमतों से नवाजा था इसी तरह समूद को उनसे बढ़कर नेमतें दी थी। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की जुबानी उनसे फरमाते हैं: ए कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीजों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात चश्मों खेतों और खजूरों में जिनका खोशा मुलायम है और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की, नसीहत पकड़ने की बजाय बुतों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ने उनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे, बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे, अपने मुआमलात में लोग उनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक खास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने उसके सिवा किसी की इबादत न करने की दावत दी तो उनका साथ छोड़ गए। जवाब में उनसे कहने लगे:
या صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ऐ صالح इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नजदीक आपका बहुत मर्तबा था, मकाम था, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तमाम अंबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, उसी ने तुम्हें जमीन में आबाद किया है, उससे मुआफी तलब करो, यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो, अल्लाह से मुआफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, हद से गुजर जाने वाले बेबाक लोगों की इताअत से बाज आओ, वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। सालेह अलैहिस्सलाम ने हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन जालमों ने भी इसी तरह कुफर किया जैसे कौम आद ने किया था। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाएं? इस अकेले की इतनी ज्यादा फजीलत की आखिर क्या वजह है? हम नहीं मान सकते कि हम में सिर्फ इसी एक पर अल्लाह की बातें नाजिल होती हैं। फिर वो इससे भी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज में परले दर्जे का झूठा कहा, जादूगर कहा। फिर ये सरकश और काफिर लोग सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले कमजोर गरीब लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, क्या तुम सालेह पर ईमान रखते हो? हम तो इसके मुनकिर हैं। इस तरह सालेह अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें दावत देते रहे, यहां तक कि ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमारे अंदर नहुसत फैला रखी है और इसीलिए हम मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं, लिहाजा तुम हमसे दूर हो जाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, तुम पर नहुसत अल्लाह की तरफ से है, तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। फिर इसके बाद वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम से मुकम्मल तौर पर दुश्मनी करने लगे और उन्होंने आपको यहां तक कह दिया कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें, क्योंकि आप मनहूस हैं। फिर बात यहां तक पहुंची कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, धमकाया और कहा, يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ اے میری قوم کے لوگو، ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا، اور یقیناً میں حق پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوگے۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا، اونٹنی 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا، لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر ایک تیسرا سردار بولا، اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو۔ چوتھا بولا، موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو۔ پانچواں بولا، وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پیئیں۔
ये लोग इसी तरह मजाक उड़ा रहे थे कि साले अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मतलूबा ऊंटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब ने मिलकर कहा, हाँ जरूर ले आएंगे। साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तुम एक दिन सब लोगों को जमा कर लो। मुकर्रदा दिन वो लोग जमा हो गए। उनकी मौजूदगी में साले अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जमीन पर जलजला तारी हुआ, उनकी आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे बिल्कुल वैसी ही ऊंटनी निकली जैसा कि उनका मुतालिबा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊंटनी कभी नहीं देखी थी। उसमें वो तमाम सिफात मौजूद थी जिनका जिक्र इन लोगों ने किया था। अल्लाह ताला साले अलैहिस्सलाम की जुबानी सूरह हूद आयत 64 में फरमाते हैं, وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ। ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी है, ये तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाओ, वरना फौरी अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। इस ऊंटनी को चूंकि किसी ऊंटनी ने जन्म नहीं दिया था, इसलिए इसको नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी कहा गया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो सुन लो, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी, एक दिन तुम पियोगे। तुम में से कोई इसे तकलीफ न पहुंचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन अजाब तुम पर नाजिल होगा। सूरतुल कमर में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हम ऊंटनी को उनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं, तुम सब्र के साथ उनके अंजाम का इंतजार करो। इस निशानी के जहूर के बाद अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाया, तुम अब देखते रहो कि इनका अंजाम क्या होता है। इनकी सख्तियों पर सब्र करो। इनसे कह दो कि पानी पर एक दिन इनका इख्तियार होगा और एक दिन इस ऊंटनी का। खबरदार, कोई ज्यादती न करे और इस ऊंटनी को पानी पीने से न रोके। सूरत शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह की ऊंटनी की और उसके पानी पीने की बारी की हिफाजत करो, यानी उसे ना तो पानी पीने से रोको और ना ही उसे कोई तकलीफ पहुंचाओ। इस मौजज़े को देखकर लोग दो ग्रोहों में बट गए। बहुत कम लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी की, उन पर ईमान लाए, जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफ्र पर डटे रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने खुद मौजज़े का मुतालबा किया था, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के बावजूद जुल्म पर अड़े रहे और कुफ्र पर इसरार करते रहे। सूरतुल हिज्र आयत 81 में अल्लाह फरमाते हैं, وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ। और उन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई थी, लेकिन फिर भी वो उनसे गर्दन मोड़ने वाले ही रहे। इसी तरह सूरा बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कौम समूद को निशान के तौर पर ऊंटनी अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। बिला शुबा वो एक वाज़ह निशानी थी, कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि जादूगरों ने उसे पैदा किया है। वो ऊंटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहां चाहती चरती, जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती, वो लोग उसका दूध पीते, दूध सबके लिए काफी हो जाता। उनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया, वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था, लोग उसे देखकर ताज्जुब करते। बच्चा ऊंटनी के साथ रहता, ये एक वाज़ह निशानी थी, उस पर जादू का गुमान किया ही नहीं जा सकता था। वो ऊंटनी एक अरसे तक उन लोगों में रही। अल्लाह फरमाते हैं, हमने कौम समूद को बतौर निशान के एक ऊंटनी दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया, हालांकि ये निशानियां हम लोगों को डराने के लिए ही भेजते हैं। वो लोग इस ऊंटनी को देखकर मुताज्जिब जरूर हुए, लेकिन ईमान फिर भी बहुत कम लोग लाए, हालांकि इस निशानी के बाद उन्हें चाहिए था ईमान ले आए। फिर एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया
कि अगर हमने सालेह को इसी तरह छोड़ दिया तो कहीं लोग हमें ना छोड़ दें और सालेह के पैरोकार बन जाएं। इस ऊंटनी ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। हम पूरा एक दिन पानी को छू भी नहीं सकते क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है। फिर ये इस कदर देव हैकल है कि इसे देखकर हमारी बकरियां भाग जाती हैं, ऊंट इसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि इससे छुटकारा हासिल कर लें। वो आपस में मशवरा करते रहे। आखिर उन्होंने एक आदमी मुंतखब किया। मुअर्रखीन का इस पर इत्तेफाक है कि उसका नाम कुदार बिन सालिफ था। उसके साथ उसका एक साथी भी था। इन दोनों ने मिलकर ऊंटनी को कत्ल किया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 29 और 30 में फरमाते हैं, فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر। फिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया, तब उसने हाथ बढ़ाया और उसकी कोंचें काट दी। फिर देखा हमारा आजाब और डरावा कैसा था। इस कुदार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पहले लोगों में से सबसे ज्यादा बदबख्त यही था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका जिक्र यूं फरमाया है, फनादौ साहिबहुम, फिर उन्होंने अपने साथी को पुकारा। सूरत शम्स में अल्लाह फरमाते हैं, इज़िन बअथ अश्क़ाहा, जब उनमें बड़ा बदबख्त शख्स उठ खड़ा हुआ। ये बदबख्त कुदार उठा, अपने साथी को साथ लिया और ऊंटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। आपस में मशवरा हुआ कि ये ना कहा जाए हमने उसे कत्ल किया है। इस तरह बाकी लोगों ने भी इनसे इत्तेफाक किया। अल्लाह ताला सूरह नमल आयत 48 में फरमाते हैं, وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ। और उस शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो जमीन में फसाद करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। मतलब ये कि ये लोग फसाद की इंतहा को पहुंचे हुए थे। उनमें भलाई नाम को नहीं थी और ना उनका फसाद की इस्लाह का इरादा था। बुखारी मुस्लिम और मुस्नद अहमद की एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने खुतबे में इस ऊंटनी और इसे मार डालने का जिक्र फरमाया। आयत इज़िम बासा अशकाहा की तिलावत करते हुए फरमाया कि जैसे अबू जमा था, इसी जैसा ये शख्स भी अपनी कौम में अजीज, दिलेर और बड़ा आदमी था। तमाम लोगों ने उस बदबख्त के साथ अहद किया और उसे यकीन दहानी कराई कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुराई का इरादा किया तो तमाम कौम तुम्हारी हिमायत में उठ खड़ी होगी। इस यकीन दहानी के बाद ये बदबख्त ऊंटनी के इंतजार में बैठ गए। ऊंटनी पहाड़ की तरफ से आती थी और पानी पीकर वापस चली जाती थी, यही उसका मामूल था। जब इन लोगों ने चट्टान से ऊंटनी को निकलते देखा तो अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसका जुस्सा देखकर खौफजदा हो गए, उल्टे पांव भागे। बदबख्त कुदार ने अपने साथियों की यह हालत देखी तो हंस पड़ा और आगे बढ़कर ऊंटनी की रान में तीर मारा। इससे ऊंटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई। फिर उस जालिम ने अपने साथियों को आवाज दी और आगे बढ़कर ऊंटनी की कोंचें काट दी। सूरत शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर उस ऊंटनी की कोंचें काट दी। बस उनके रब ने उनके गुनाहों के बायस उन पर हलाकत डाली और फिर हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बर्बाद कर दिया। ऊंटनी की कूंचें काट दिए जाने के बारे में अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि बस उन्होंने ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की और कहने लगे, ऐ सालेह, जिन अजाबों से तू हमें धमकाता रहता था, अगर तू वाकई पैगंबर है तो उन अजाबों को हम पर नाजिल करा दे। ऊंटनी पर हमला होते ही उसका बच्चा भाग निकला था। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, 3 मर्तबा बिलबिलाया। ये बदबख्त उसके पीछे भागे और आखिर उसे भी कत्ल कर दिया। फिर तमाम बस्ती वाले जमा हुए, ऊंटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मजे के साथ उसको खाया। इस जुर्म में उन सबने शिरकत की।
अलबत्ता जो लोग साले अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे वो अलग थलग रहे। सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए ऊंटनी के पास पहुंचे। ऊंटनी बेजान पड़ी थी, उसका बच्चा भी बेजान था, लोग उनके गिर्द जमा थे और उनका गोश्त खा रहे थे। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ذلك وعد غير مكذوب। इस पर साले ने कहा कि अच्छा तुम तीन दिन तक अपने घरों में रह सह लो, ये वादा झूठा नहीं है। मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ तीन दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को रद्द करते हुए उन्हें धमकियां देने लगे कि जिन अजाबों का तू हमसे वादा कर रहा है अगर तू सच्चा है तो उनको हम पर नाजिल कर दे। इसके बाद वो जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालो। उनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरतुन नमल आयात 48 और 49 में फरमाते हैं, इस शहर में 9 सरदार थे, वो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया कि रात ही को सालेह और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। अल्लाह ताला सूरतुन नमल आयात 50 और 51 में फरमाते हैं, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ। اور انہوں نے ایک داو کھیلا सो हमने भी एक ऐसा दाव खेला कि उन्हें खबर भी न हुई, फिर देखो कि उनके दाव का क्या अंजाम हुआ, हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और उन तमाम को पीस कर रख दिया। उन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनाचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हिजर के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौमे समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे, वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे स्याह हो चुके थे। अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चीख पुकार करने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया था, जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया, कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबों से दोचार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब की इब्तिदा जलजले से हुई, जमीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए, उनमें उठने की ताकत तक न रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ, उसकी हौलनाक दहशत अंगेज चिंगार ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साथ वो सब ढेर हो गए। उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरत ज़ारियात आयात 43 ता 45 में फरमाते हैं, वफी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तउ हत्ता हीन فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين।
और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। इस पर उन्हें उनके देखते देखते तेज और तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया, बस न तो वो खड़े हो सके और न बदला ले सके। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह ताला ने उनकी तबाही का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक जोर की कड़क ने उन जालिमों को आ लिया, फिर तो वो अपने घरों में जानू के बल मुर्दा पड़े रह गए, ऐसे गोया कि वो कभी आबाद ही न थे। सूरतुल कमर में अल्लाह ने उनकी रुसवाई इन अल्फाज में बयान की है, हमने उन पर एक चीख भेजी, फिर वो ऐसे हो गए जैसे कांटों की बाढ़ का चूरा। दूसरी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 66 में फरमाते हैं, फलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना सालिहन वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिन मिन ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز। फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने साले और उन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल से उससे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से भी। यकीनन तेरा परवरदिगार निहायत तवाना और गालिब है। इस कौम के आसार आज तक बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा के शिमाल मगरिब में इनके घर मौजूद हैं। अब ये इलाका मदायन सालेह के नाम से मशहूर है। सूरतुन नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पस ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं, बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने उनके निशानात को आज तक बाकी रखा है ताकि बाद में आने वालों को यकीन हो जाए और किसी किस्म का शक न रहे। अजाब के आसार नमूदार होने पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर खाही की, लेकिन तुम लोग खैर खाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहां से हिजरत करके फिलिस्तीन आ गए। वहीं रमल्ला नामी बस्ती में रहने लगे और यहीं आपकी वफात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ तबूक तशरीफ ले गए तो आपने मदायने साले के करीब क़याम फरमाया था। सहाबा ने उन कुओं से पानी ले लिया जो कौम समूद के इस्तेमाल में रहे थे, कुछ बर्तन भी वहां से ले लिए। आपको पता चला तो आपने हुक्म फरमाया, इन बर्तनों को तोड़ दो और इस पानी को बहा दो और इस पानी से जो खाना तैयार किया है उसको उलट दो। आपने उन्हें उन घरों में दाखिल होने से भी रोक दिया जिनमें अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डरता हूं तुम पर भी ऐसा अजाब ना जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल ना हुआ करो, और अगर दाखिल होना पड़ जाए तो रोते हुए दाखिल हुआ करो, और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्लें बना लिया करो ताकि तुम्हारा शुमार जालिमों में ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला इन समूद कफरू रब्बहुम अला बुअदन लिसमूद। आगा रहो, कौम समूद ने अपने रब से कुफ्र किया, सुन लो इन समूदियों पर फिटकार है। कुरान में इनका किस्सा 26 से ज्यादा मर्तबा बयान किया गया है। इसके बाद लोग ईमान की हालत में अमन चैन की जिंदगी बसर करने लगे, लेकिन फिर नए सिरे से इनमें खराबी पैदा हुई। शैतान ने फिर अपना काम दिखाया, उनके दिलों में वसवसा डाला और फिलिस्तीन, इराक, मिस्र और जजीरे के नवाही इलाकों में शिर्क फैल गया। लोग एक बार फिर कुफ्र की तरफ पलट पड़े। इस पूरे किस्से में चंद इबरतें हैं, आइए जरा उनका भी जिक्र हो जाए। अल्लाह ताला की ऊंटनी अगरचे सैयदना साले अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक निशान थी, उनकी सच्चाई का सबूत थी, लेकिन कुरान करीम की वजाहत यह है कि वो कौम समूद की आजमाइश के लिए थी और वही उनकी हलाकत का निशान साबित हुई, जैसा कि सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन
مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر। बेशक हम ऊंटनी को उनकी आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजने वाले हैं, पस तू उनके इंतजार में रह और सब इख्तियार कर। सुन्नतुल्लाह ये रही है कि अगर वो अपने पैगंबर को किसी कौम की हिदायत के लिए भेजे और कौम उसकी हिदायत पर कान न धरे तो जरूरी नहीं कि वो कौम हलाक कर दी जाए, लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वादे पर निशान तलब करे कि अगर उनका मतलूबा निशान जाहिर हो गया तो वो ईमान ले आएंगे और फिर निशान आ जाने के बाद वो ईमान न लाए तो उस कौम की हलाकत यकीनी है। अल्लाह ताला फिर उस कौम को मुआफ नहीं करते जब तक कि वो तायब न हो जाए और अल्लाह के दीन को कबूल न करे या अजाब इलाही से सफाई हस्ती से मिटकर दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए। लेकिन इस सुन्नत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्तस्ना है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में अजाब आम मुसलत न फरमाए, और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। कुरान में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की यूं तस्दीक की है, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ। اے رسول اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے، یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوش نودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، بلکہ کج فہمی ہے۔ قرآن کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیرخواہی کرنے والے ہوں تو بلا شبہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے۔ انہی الفاظ پر سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچا۔